एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ले चलते हैं, जहां पर महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उन महिलाओं को सम्मानित करने के लिए यहां पे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कार्य उत्कृष्ट कार्य किया है। ऐसी ही महिलाओं का सम्मान आज मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा और इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मंच से संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष गुणेश्वरी वर्मा जी, अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष राजकुमारी जवान जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शारदा वर्मा जी, सचिव महिला बाल विकास विभाग शाला निकाय जी, संचालक महिला बाल विकास दिव्या मिश्रा जी, मंच में उपस्थित सब अतिथि मन और प्रदेश से कोना कोना से आए हुए सब बहनी मन, बेटी माई मन और नोनी मन और सब अधिकारी मन और साथी हमारे पत्रकार साथी मन और कलाकार मन, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला मन में आज विशेष उत्साह देखे मिला। और विधानसभा में एक जन विधायक कहा भी रहे थे, महिला मन के दिवस होते पुरुष मन के कोई दिवस और नहीं हुआ। आज महिला दिवस अहमन है, हमारे देश ल भारत माता कैसन और छत्तीसगढ़ ल छत्तीसगढ़ माता री, तो तीनों के एक बार जोरदार जयकारा बोले भारत माता की। अबर में हो के खाए हो बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता री की, महिला दिवस अमर हो, महिला दिवस अमर हो। मातृशक्ति की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय, भारत माता की जय, कौशल्या माता की जय, सबरी माता की जय। हमारे छत्तीसगढ़ में महिला मन की योगदान चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश भर हो, हमेशा ओकर मन के योगदान रहे हैं। कौशल्या माता जिन भगवान राम के जननी, जिन छत्तीसगढ़ मातारी के सबसे दुलारी बेटी, सबरी माता जेकर जूठा बेर भगवान राम खाए है, हमारे छत्तीसगढ़ के पहले सांसद, महिला सांसद मिनी माता, जिन अस्पृश्यता कानून बनाए में लोकसभा होकर बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, हमारे तीजन भाई जेकर पंडवानी, जेकर तमूरा के गूंज देश और दुनिया में गूंजे, पूरा विश्व में होकर तमूरा का आवाज गूंजे है, जिस तीजन भाई कुलभाषण भाई, शमशाद बेगम और साथ साथ और विभूति मन है, ममता चंद्राकर जिन गायन के क्षेत्र में पद्मश्री, ये ममता चंद्राकर ने ये विधायक, तो महिला मन के हमेशा योग महिला मन पर आगे निकल के महिला मन आज
लड़ाकू विमान महिला मन उड़ा थे, ऑटो से लेके लड़ाकू विमान तक के महिला मन संचालन करा थे। तो महिला मन ल आज पढ़ाई में कॉलेज में जावे सबसे ज्यादा उपस्थिति महिला मन। आज जिला पंचायत में चल लो तो महिला मन की संख्या ज्यादा है। कब का हो 50% तो आरक्षण होकर बाद भी ज्यादा महिला मन जीत गया। पंचायत में, जनपद में, जिला में, नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में महिला मन की उपस्थिति। आज हमारे विधानसभा में 14 जन विधायक थे, 11 तक अकेला हमारे कांग्रेस पार्टी, एक जन भाजपा के, एक जन बसपा के और एक जन योगी कांग्रेस। 14 जन मतलब 14.5% से भी ज्यादा महिला मन की उपस्थिति विधानसभा में। आज हिंदुस्तान के कोई भी विधानसभा में सबसे ज्यादा महिला मन की उपस्थिति है तो हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में। आज ये बात केवल खुशी है कि यहाँ कौशल्या माता के मंदिर बने हुए हैं और सौंदर्यीकरण करे के काम हमारे शासन हाथ मिले हैं। वहीं बिलासपुर के जो एयरपोर्ट है वह बिलासा देवी केवट के नाम से रखे गए हैं और जगदलपुर इतने महामाया के नाम से रखे हैं, दंतेश्वरी माँ के नाम से। तो मातृशक्ति के छत्तीसगढ़ में विशेष भूमिका है। यह घर चलाए में महिला मन के योगदान आज जरूरत का बात की है। जरूरत है शिक्षा की, जरूरत है स्वास्थ्य की। यदि महिला पढ़ी और पुरुष पढ़ी तो अंतर का है। पुरुष पढ़ी तो अपन भर पढ़ी, लेकिन यदि महिला पढ़ी तो फिर घर पूरा घर शिक्षित हो ही, घर आगे बढ़े, पूरा समाज आगे बढ़े। देखा स्थिति बेटी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहिए, शिक्षा होकर मन के जरूरी। वही पहले हमारे 12वीं तक के, हमारे प्रदेश में 12वीं तक के निःशुल्क पढ़ाई में कोई फीस नहीं, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य बहुत जरूरी। यदि हमार बेटी कमजोर रही, हमार मातक मन कमजोर रही, बहू कमजोर हुई तो फिर हमारे जिन आने वाला पीढ़ी तेन कमजोर हुई। वही पह के हमारे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू करें और एक साल में 99,000 बच्चा मतलब कुपोषण से बाहर करें और 20,000 जो महिला मन है एनीमिया से बाहर हुई। तो जब हमारे बेटी हमारे बहनी यदि स्वस्थ रही तो हमारे छत्तीसगढ़ ताकतवर बने। तेकर बर जरूरी है बेटी के स्वास्थ्य और बेटी के शिक्षा दोनों पर। हमारे यहाँ शिक्षा पर अब अंग्रेजी जरूरी है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हम शुरू करें, सब ऐसा 52 स्कूल शुरू करें। अभी बजट में हमने 119 स्कूल के हर ब्लॉक में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल स्वामी आत्मानंद के नाम से खोली ताकि हमारे बेटी मल्ल बाहर जाए जरूरत मत पड़े, वही ब्लॉक में उनको शिक्षा बोल मिल सके। वही प्रकार से महिला मन थोड़ा स्वास्थ्य मालम थोड़ा संकोच करते, चेकअप नहीं कराए, ओकर से थी हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना, अब तो दाई दीदी क्लिनिक योजना भी हम शुरू करे हैं। वो में महिला मन ही के जांच हुई और स्टाफ भी डॉक्टर भी महिला रही, नर्स भी महिला रही, जब तक स्टाफ है तीनों महिला रही ताकि महिला मन
अपन बात रखे में कोई संकोच मत कर सकता है। तो आज तीसरा बार स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन, स्वावलंबन होना जरूरी है, आर्थिक रूप से स्वावलंबी महिला मल्ला होना जरूरी है। धान बेच के आते तो पैसा घर वाले मर रख लेते, नौकरी करके आते तेनो पैसा घर वाला मर रख लेते, लेकिन ओकर बाद भी महिला मंदिर स्वावलंबन हो एकर पर स्व सहायता समूह के माध्यम से 20 लाख महिला मंडल जोड़े में हम सफल हुए हैं। अब जिन गौठान योजना है, गोधन न्याय योजना है, ओकर माध्यम से यहाँ हमारे बहनी मन भी गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना दे, गो कार्ड बना दे, बहुत दिया बना दे, गोबर से विभिन्न प्रकार के वस्तु के निर्माण करा दे, ओकर से ओकर मन के आय में वृद्धि हो और ओकर साथ साथ हमारे यहाँ लघु वनोपज होते, पहले 7 प्रकार से जब 52 प्रकार के लघु वनोपज होते, अब हमारे बहनी मन झाड़ू भी बनाए काम करे थे, लाख के प्रसंस्करण करे थे, कोदो कुटकी के प्रसंस्करण करे थे, शहद की खेती करे थे, ये प्रकार से जिन आदिवासी क्षेत्र में भी हमारे जिन मातृशक्ति है जिन आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो ओकर पर निरंतर हमारे सरकार काम करत। आप सबसे यह अवसर में अब के कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी है तेल लैंगिक जो विषमता है तेला दूर करेंगे। हमारे संविधान में तो समानता का अधिकार देते लेकिन परिवार में समानता का अधिकार नहीं मिल पाए। वो पाए कि जरूरी है कि स्वयं के बारे में निर्णय लेके क्षमता हमर बेटी मल्ला हमर बहनी मल्ला तैयार करे लगी और जिन अवसर है देकर पूरा लाभ उठाए लग पड़ी। मैं समझता हूं तब जाके आधा आबादी जब सक्षम हुई तो छत्तीसगढ़ भी मजबूत हुई, देश भी मजबूत हुई और दुनिया मजबूत हुई। तो कर स्थिति आधा आबादी के स्वास्थ्य, आधा आबादी के शिक्षा, आधा आबादी के स्वावलंबन के दिशा में लगातार हमारे सरकार प्रयासरत है। एक बात मैं वो कहना चाहता हूँ, दंतेवाड़ा जिला आप सब जाना था, नेते के दंतेश्वरी माई दर्शन करे जाते आदमी डर रहा थे नक्सलित नहीं है, लेकिन अब महिला मन के समूह कपड़ा के फैक्ट्री डाले 300 महिला काम कर रहे थे, जिन वो जिन ब्रांड जिन निकले थे का नाम जेनेक्स थे और वहां से जिन कपड़ा सिल के निकले थे दंतेवाड़ा के शुरू अंदर अंदर के गांव के जिन महिला मन आके लड़की में सिलाई के प्रशिक्षण ले और वो मन लगातार सिलाई के काम करे थे, जेनेक्स ब्रांड बनाए जिनका कपड़ा हमारे न केवल प्रदेश बल्कि देश के कोनो कोनो विदेश में भी उकर सिले हुए कपड़ा वहां जाही। तो ये प्रकार से हमल जिन कुटीर उद्योग है हमारे जिन ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग है ये मन बढ़ावा देवो ताकि हमार महिला मन है आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। उस दिशा में लगातार प्रयास और जो है अभी महिला मन के सुविधा पर रायपुर नगर निगम में क्या नाम दे पिंक पिंक हो रूम के महिला मन बाहर से आते एक पिंक रूम बनाए गए हैं, हमें मिल फिटिंग करे काम है, लड़का मन के कपड़ा बदले काम है। तो ये प्रकार से एक सर सुविधा युक्त पिंक रूम बनाएंगे, वो इसमें हर नगर निगम में हमारे पिंक रूम बनाबो ताकि छत्तीसगढ़ में शहर में कोनो भी गांव महिला मन भी आते एक शहर से दूसरे शहर जाते यदि कोई अड़चन परेशानी आती तो पिंक रूम के उपयोग हो सके। सहायता अगर लगातार हमारे सजग हैं 112 जन काल है जिन महिला मन पर भी अलग से ओकर मन पर किए जाए ताकि वो मैं एक काल कर ही यदि कोनो प्रकार के परेशानी हुई तो तत्काल सहायता पर हमारे पुलिस वाला मन पहुंची। तो आज महिला दिवस के अवसर में आप सब लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके सारगर्भित प्रेरक और आत्मीय उद्बोधन के लिए। और इसके साथ ही आज के राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन के आयोजन के अवसर पर और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभाग के माध्यम से छत्तीसगढ़ की उत्कृष्ट महिलाओं का सम्मान किया जाना है, जिसके लिए हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करते हैं कि यहाँ पर ऐसी उत्कृष्ट सम्माननीय महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में विभिन्न वर्गों के लिए बहुत ही उल्लेखनीय और उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके लिए उन्हें आज ये मंच सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और इस सम्मान अतिथि महोदय के स्वागत के लिए आमंत्रित है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर से अजय यादव जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए श्री गौरव सिंह जी जिला पंचायत कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर, माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सचिव महिला बाल विकास रायपुर श्रीमती शैला निगार जी को और श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा जी को संचालक महिला बाल विकास रायपुर। मंच पर उपस्थित हैं माननीय विधायक पंडरिया श्रीमती ममता चंद्राकर जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा जी, श्रीमती ममता चंद्राकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा जी के स्वागत के लिए आपसे पुनः निवेदन। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री अशोक पांडे जी को मंचस्थ अतिथि गणों के स्वागत के लिए। हमारे बीच उपस्थित हैं उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग माननीय राजकुमारी दीवान जी, उनके स्वागत के लिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ। हमारे बीच मंच पर अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्रीमती रश्मि आशीष सिंह संसदीय सचिव महिला एवं बाल विकास। मैं संचालक महिला एवं बाल विकास को आमंत्रित करती हूँ आपके स्वागत के लिए। माननीय श्रीमती किरणमयी नायक जी के लिए मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ डीपीओ जी को और स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए अब स्वागत उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं सचिव छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती शैला निगार जी को। नमस्कार सर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी विभागीय मंत्री जी श्रीमती अनिला भेड़िया जी, संसदीय सचिव महोदया, अध्यक्ष महिला आयोग, माननीय विधायक जी एवं मंचस्थ समस्त अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही जिला प्रशासन, विभागीय अधिकारी और मीडिया के उपस्थित समस्त प्रतिनिधि एवं यहाँ उपस्थित छत्तीसगढ़ की जनता का मैं इस दिवस पर हार्दिक बधाई देती हूँ और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की महिलाएं शिक्षा, साहित्य, राजनीति, विज्ञान आदि समस्त क्षेत्रों में समाज में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, किंतु यह स्थान महिलाओं को इतनी आसानी से हासिल नहीं हुआ है, बल्कि इसके लिए वर्षों से महिलाओं ने सतत संघर्ष किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहती हूँ कि विभाग की जो योजनाएं हैं वो मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के पोषण एवं सुरक्षा संरक्षण पर केंद्रित हैं।
हमारी तमाम विभागीय योजनाएं इन दो लक्ष्यों को लेकर चल रही हैं। कुपोषण के क्षेत्र में ICDS के अतिरिक्त राज्य पोषित भी कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना और इसके अलावा वजन त्योहार आदि का आयोजन किया जाता है, जिससे लगातार बच्चों के कुपोषण के स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है, साथ ही महिलाओं में एनीमिया एवं अन्य समस्याओं का निदान किया जाता है। दूसरा मुख्य लक्ष्य विभाग का है महिलाओं का विकास, उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा और स्वावलंबन। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण में भी छत्तीसगढ़ की महिलाएं निरंतर रूप से आगे बढ़ रही हैं। शासन की कल्याणकारी योजनाओं के तहत उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं को कानूनी सहायता पहुंचाने, संकट की स्थिति में उन्हें आश्रय देने, संरक्षण देने, उनका कौशल उन्नयन कर उनके स्वावलंबन की भी व्यवस्था करता है। मैं मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगी कि सभी 27 जिलों में अभी सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 23,000 से अधिक प्रकरणों का निपटान किया जा चुका है, जो एक अच्छी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त अन्य हमारे यहाँ पे 3 नारी निकेतन, 3 उज्ज्वला गृह, 3 स्वाधार गृह भी संचालित हैं, जिससे महिलाओं को आश्रय और संरक्षण दिया जा रहा है। रायपुर में मानसिक रूप से बीमार महिलाओं के लिए 50 महिलाओं की क्षमता का आश्रय गृह का संचालन किया जा रहा है। इन सभी संस्थाओं में शासन के द्वारा विधिक सहायता, चिकित्सा व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक सलाह, परामर्श सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि हमारे सभी स्टॉप सेंटर महिला हेल्पलाइन नंबर 181 से इंटीग्रेटेड हैं, तो प्रदेश के किसी भी कोने से, किसी भी दूरस्थ अंचल से, किसी भी समय हमारी माताएं, बहनें और बेटियां महिला हेल्पलाइन 181 पर फोन करके सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व से ही राज्य में महिला आयोग गठित है, राज्य समाज कल्याण बोर्ड भी महिलाओं की निरंतर विकास और सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहा है। महिलाओं और बच्चों के अवैध प्रवास और ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए प्रत्येक जिला में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है, और दुर्ग और कोरिया जैसे जिलों में महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना भी संचालित है। इसके अलावा सुरक्षा संरक्षण के अलावा स्वावलंबन की दिशा में भी विभाग प्रयास कर रहा है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ महिला कोष गठित है, जिसमें अत्यंत कम ब्याज दर पर महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके कुछ समूहों के द्वारा बाहर में स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अवलोकन किया गया है। इस प्रकार से विभाग जो है वो महिलाओं बच्चों के न सिर्फ पोषण की व्यवस्था करने के लिए कटिबद्ध है, बल्कि हमारी बालिकाओं और महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षा, संरक्षण और हर प्रकार की परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराता है। आज के इस अवसर पर मैं पुनः समस्त अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सचिव महोदय। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पर के इस मंच पर, शासन के इस मंच पर विराजमान है महिला एवं बाल विकास विभाग की ममता मई और सहृदया माननीय मंत्री महोदया, उन्हें हम